लोकतंत्र के उस तरीके को अपनाएंगे जिसमें हम जो है उन तमाम ऐसे प्रतिनिधियों को जो असंवेदनशील है उनको जो है वहां से उखाड़ फेंकेंगे, तब उनको एहसास होगा क्या होता है पूरे लोकतंत्र के जो सरकारी कर्मचारी है उनके भविष्य के साथ खेलने का। पूरा जीवन भर हमारा जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी अधिकारी क्यों नहीं है, वो अपने जीवन को समर्पित करता है इस उम्मीद के साथ कि वो अपने प्रेम से अपने समर्पण के भाव से राष्ट्र की सेवा करेगा और जब वो बुढ़ापा आएगा तो वह भी सुरक्षित होगा, उसका परिवार भी सुरक्षित होगा। लेकिन आज के तारीख में जो हमें पैसा मिलता है वो फंड ऑर्गेनाइजर को दिया जाता है, हमें खुद पता नहीं है कि कल के दिन हमको कितना पेंशन मिलेगा। जब हम पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए लगा रहे हैं ये नहीं कहते हैं कि कोई एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, इस संविधान ने हमें नागरिक होने का जो दर्जा दिया है तो हमारा जो हमें जो अधिकार मिलना चाहिए वो हमें दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरा देश जो देश यहाँ पर खड़ा हुआ है, अगर इस लड़ाई को और विकट होना है और संघर्षहीन होना है, उन साथियों का जो मुझे सुन रहे होंगे उनका मैं आह्वान करता हूँ इस सर्दी के मौसम में वो रजाई के ऊपर चुप करके फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं हो बल्कि धरातल पर भी तो लड़ना होगा। सोशल मीडिया पर लड़ने से आप सूचना का प्रसारण जरूर कर सकते हैं लेकिन वास्तविक लड़ाई हमेशा रणभूमि में लड़ी जाती है, यही दुनिया का इतिहास है। आपका इतिहास बदलना है तो रणभूमि में आना होगा। आप तमाम साथियों ने मेरी बात को सुना, यहाँ पर कई आवाज है, मैं सर प्लीज जयघोष के साथ यहाँ पर समाप्त करता हूँ। एनपीएस 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 ओपीएस ओपीएस भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।